दिन पहले मुख्तार अंसारी ने स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया। अब मुख्तार की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को तबीयत खराब होने के बाद जेल से बांदा के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया गया है। मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हाल ही में मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल में जान का खतरा बताया था और स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। तो आखिर मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर कौन जहर दे रहा है? मुख्तार के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? यूपी सरकार पूरे मामले में चुप है, जबकि पुलिस विभाग ने इसी बीच दो डिप्टी जेलरों को सस्पेंड किया है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड न्यूज। अब मुख्तार की क्राइम कुंडली भी सुन लीजिए। देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए उसके जीवन के कुछ ऐसी घटनाएं बताते हैं जिसने मुख्तार को लोगों की नजर में लाया। तो कहानी शुरू होती है 1985 में अफजल अंसारी के विधायक बनने के बाद। मुख्तार अंसारी ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और स्थानीय स्तर पर ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। 1988 में मुख्तार पर पहली बार हत्या का आरोप लगा। हत्या ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हुई थी। कहा गया कि ठेके को लेकर मुख्तार और सच्चिदानंद के बीच मंडी में बहस हुई थी, जिसके अगले दिन उसकी हत्या हो गई। मुख्तार पर इसके बाद अपने पुराने दोस्त साधु सिंह के साथ मिलकर गैंग बनाने का आरोप लगा। मुख्तार बाद में इस आरोप से बरी तो हो गया, लेकिन इस केस ने उसके करियर को अलग ही रूप दे दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक 1996 तक मुख्तार अंसारी पर 21 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। अधिकांश मुकदमा अपहरण, धमकी और हत्या से जुड़ा हुआ था। मुख्तार पर इसके बाद केस की संख्या बढ़ती ही गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक 2023 तक मुख्तार पर कुल 65 मुकदमे थे। अब मुख्तार की एंट्री होती है राजनीति में। 1995 में यूपी के बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड ने मायावती को काफी डरा दिया था। सपा को पटकनी देने के लिए मायावती ने भी माफियाओं के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया। इसी दौरान मायावती की डील मुख्तार से हो गई। 1996 में मुख्तार गाजे बाजे के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया। बीएसपी में शामिल होने के बाद मुख्तार अंसारी को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई। मुख्तार इसी साल चुनाव में मऊ सीट से विधायक भी चुना गया। उसने इस चुनाव में बीजेपी के विजय प्रताप सिंह को करीब 26,000 वोटों से हराया। मुख्तार इसके बाद 2022 तक इस सीट से विधायक चुना गया, पर समय बदला और रुंगटा हत्याकांड ने मायावती से दूर कर दिया। मुख्तार विधायक बना तो ब्रिजेश सिंह से उसकी अदावत नए सिरे से शुरू हो गई। दोनों गैंग के बीच लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आने लगी। इसी बीच वीएचपी नेता और बड़े कारोबारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर हत्या कर दी जाती है। रुंगटा हत्या का आरोप मुख्तार और उसके शूटर सिकंदर पर लगता है। राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए मायावती ने सीआईडी जांच के लिए निर्देश दे दिए, लेकिन मामला तब तुल पकड़ा जब वाराणसी के डीआईजी रंजन द्विवेदी का ट्रांसफर हो गया। रुंगटा के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि द्विवेदी मुख्तार को गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन मायावती ने डीआईजी को ही हटवा दिया। किरकिरी होता देख मायावती ने मुख्तार को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। बीएसपी से बाहर निकलने के बाद मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उस पर पुलिसिया सिकंजा कसने लगता है। मऊ दंगे के बाद जेल से बाहर नहीं निकल पाता। साल 2005 में मऊ शहर में दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। घटना का आरोप मुख्तार पर लगा और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। मुख्तार इसके बाद कभी जेल से बाहर नहीं आ पाया। दरअसल अक्टूबर 2005 में भरत मिलाप का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान ही स्पीकर बजने को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। यह झड़प धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया। मऊ के इस दंगे में 8 हिंदू और 7 मुसलमान मारे गए। यूपी में उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने मुलायम की घेराबंदी कर दी। सरकार के बैकफुट पर आते ही पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
मामला तूल पकड़ता देख मुख्तार ने खुद सरेंडर कर दिया। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। पर जो मुख्तार किसी को मारने से डरता नहीं था, अब उसको मारने की सुपारी दी गई। 2014 में यूपी पुलिस उस वक्त चौंक गई जब गैंगस्टर लंबू शर्मा ने मुख्तार को लेकर एक खुलासा किया। बिहार के रहने वाले लंबू शर्मा ने पुलिस को बताया कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को मारने के लिए उन्हें 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की दुश्मनी करीब 3 दशक पुरानी है। पहली बार दोनों के बीच 1990 में गैंगवॉर की घटना हुई। इसके बाद कई मौकों पर दोनों गुट आमने सामने आए। कहा जाता है कि मुख्तार के नेटवर्क और पुलिसिया कार्रवाई से डर से ब्रजेश ने एक वक्त पूर्वांचल ही छोड़ दिया था। अभी 7 मामलों में सजायाफ्ता है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी वर्तमान में 7 मामलों में सजा याफ्ता है। उसे हत्या, गैंगस्टर आदि कई मामलों में अदालत से सजा सुनाई जा चुकी है। 21 नवंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में उसे 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी साल उसे गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की सजा मिली। दिसंबर 2022 में मुख्तार गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। जून 2023 में मुख्तार अंसारी वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। अक्टूबर 2023 में गैंगस्टर के एक मामले में फिर से कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। मुख्तार अब तक आगरा, कानपुर, सीतापुर, गाजीपुर और बांदा जेल में अपनी सजा काट चुका है। वह पंजाब की जेल में भी रह चुका है। तो है ना मुख्तार अंसारी की कहानी एक फिल्मी कहानी। इस पर फिल्म बनाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल कालखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज बिना डरे, बिना झुके, पुख्ता सबूतों के साथ। तो देखते रहिए कालखंड न्यूज़।